डे स्टूडेंट्स इन दिस मॉड्यूल वी आर गोइंग टू डिस्कस पॉलिटिक्स पावर एंड अथॉरिटी पॉलिटिक्स रिफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच पावर इज एक्सरसाइज इन एनी सोसाइटी इंक्लूडिंग डिसीजन मेकिंग कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स तो जैसे कि हम जानते हैं कि पॉलिटिक्स आलमोस्ट आज की सारी मॉडर्न सोसाइटीज़ का एक खासा है और एक मेजर इंस्टीट्यूशन है जिससे आपकी सारी जो सेंट्रल या कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो होता है जिसमें आपकी पॉलिसीज़ बनती हैं और ये तय किया जाता है कि हम अपनी कलेक्टिव लाइफ को किस तरह से गुजारेंगे तो ये जो डिसीजन मेकिंग है विदाउट अथॉरिटी एंड पावर मुमकिन नहीं होती है इसको हम आगे जा डिस्कस करेंगे कि अथॉरिटी और पावर से क्या मुराद है और इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है सो पावर इज़ दी एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल द एक्शंस ऑफ अदर्स वाइल अथॉरिटी रिफर्स to the legitimate exercise ऑफ़ पावर तो पावर जो है वो यूज़ ऑफ़ फोर्स भी हो सकती है ज़बरदस्ती भी किसी से कोई काम करवाया जा सकता है यूज़ ऑफ coercion हो सकती है लेकिन इसके मुकाबले में जो अथॉरिटी होती है वो लेजिटिज होती है दूसरे लफ्जों में जिसके ऊपर वो authority या जिसके ऊपर आप power exercise कर रहे होते हैं उसमें उसकी अपनी मर्जी या अपनी कंसेंट भी शामिल होती है और वो अपनी मर्जी से अपनी विल को जो है वो आपको सबमिट करता है कि हाँ यस यू हैव दी अथॉरिटी टू एक्सरसाइज़ योर फोर्स और पावर ऑन मी मिसाल के तौर पे हम खानदान के निज़ाम के अंदर अगर देखें तो माँ बाप के पास जो है वो एक लजिटमेट अथॉरिटी होती है कि वो अपनी पावर या अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपने बच्चों से बात मनवा सकें या उनको सोशलाइज़ कर सकें दैन द पोलिटिकल सिस्टम्स कैन टेक मनी फॉम्स रेंजिंग फ्राम डेमोक्रेटिक टू अथॉरिटेरियन एंड कैन शेप बाय variety ऑफ फैक्टर्स including कल्चर हिस्ट्री and geography तो चूँकि हम डिफरेंट political सिस्टम्स देखते हैं जिसमें एक डेमोक्रेटिक सिस्टम भी होता है दूसरा authoritarian सिस्टम होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर ये है कि जो अवामी राय है उसको अहमियत हासिल होती है जिनके ऊपर पावर एक्सरसाइज की जा रही होती है इसमें उनकी राय को भी मुक़दम रखा जाता है जबकि अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स के अंदर या अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर ये होता है कि किसी एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप के पास जो है वो ताकत होती है और बिना लोगों की इजाज़त कंसेंट या मर्जी के जो है उनके ऊपर पावर या फोर्स एक्सरसाइज की जा रही होती है इन पाकिस्तान फॉर एग्ज़ाम्पल द पोलिटिकल सिस्टम इज़ करैक्टराइज बाय पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड पीरियडिक पीरियडिकलेक्शंस एंड मल्टी पार्टी सिस्टम हाउएवर द कंट्री हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ मिलिट्री रूल एंड पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी विद फ्रिक्वेंट कू एंड पीरियडस ऑफ अथॉरिटेरियनिज़म सो अंडरस्टैंडिंग द डाइनिक्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी इज़ असेंशियल फॉर एनालिंग पोलिटिकल सिस्टम्स एंड दे रिफेक्ट्स ऑन इंडिविजल्स एंड सोसाइटीज़ पॉलिटिक्स को पोलिटिकल पावर को और पोलिटिकल अथॉरिटी को अंडरस्टैंड करना सोशालोजिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जितनी भी सोशल पॉलिसीज़ होती हैं माशरे के अंदर मौजूद जो रिफॉर्म्स होती हैं वो सारी की सारी उसी पोलिटिकल सिस्टम से आ रही होती हैं पाकिस्तान के अंदर भी अगर हम देखें तो अब फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो मौजूद है लेकिन हम इसके अंदर एक सिग्निफिकेंट पीरियड में जो है मिलिट्री अथॉरिटेरियन रिजीम्स भी देखते हैं जिसके हवाले से आ, पाकिस्तान के अंदर अ काइंड ऑफ रिजेंटमेंट भी पाई जाती है कि क्या पाकिस्तान की आज जो सिचुएशन है जिसमें पॉलिटिकल सिचुएशन है इकोनॉमिक कंडीशन है या जो हमारी सोशल कंडीशन है इसका जिम्मेदार किस को ठहराया जाए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ठहराया जाए या हम जो है मिलिट्री कूज को ठहराएं कि जिनकी वजह से जो है आज हम इस हालत के अंदर हैं इसी तरह से जो आपका जितना भी पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो एक मेजर सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है आपके माशरे के अंदर इंस्टीट्यूशलेशन में आपकी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन Uh, जो है किसी भी एस्पेक्ट में चाहे वो फॉर्मल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो या इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशनाइजेशन हो उसके अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं और ये चूंकि मैक्रो लेवल से माइक्रो की तरफ ट्रिकल डाउन होती हैं इनके इम्पैक्ट या कॉन्सिक्वेंसिस ट्रिकल डाउन होते हैं इसी वजह से हम देखते हैं कि जो इंडिविजुअल की लाइफ होती है ख़ास तौर पर वो भी इन पॉलिसीज़ की वजह से अफेक्ट होती है तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का एक बड़ा मेजर रोल है कि कैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो अपनी पावर और अथॉरिटी को इंडिविजुअल्स के ऊपर और कम्युनिटी के ऊपर ऑन द होल ग्रुप लेवल के ऊपर एक्सरसाइज करते हैं और उस एक्सरसाइज के नतीजे में क्या कॉन्सिक्वेंस बरामद होते हैं इंडिविजुअल की लाइफ पे भी और उसके ग्रुप लाइफ के ऊपर भी सो द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स कैन शेड लाइट ऑन क्वेश्चंस ऑफ़ जस्टिस इक्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ रिसोर्सेज एज वेल एज द वेज़ इन विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स कैन बी मोबलाइज टू अचीव देर गोल्स सो इंटरेस्टिंगली आपके जितने भी ग्रुप गोल्स होते हैं एक माशरे का एक जो ट्रेंड या रुझान होता है वो भी इस पोलिटिकल पॉलिसी से ही निकल रहा होता है क्योंकि पोलिटिकल पॉलिसी डिफ़ाइन करती है डिटर्मिन करती है कि आपके ग्रुप गोल्स क्या होंगे आपके इंडिविजुअल गोल्स क्या होंगे माशरा जो है वो कलेक्टिविटी के तौर पर जो है वो किस सिमत में चलेगा तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारे यहाँ जो पोलिटिकल सिस्टम है वो क्या है उसके हिस्टोरिकल रेमनेंट्स क्या हैं कहाँ से ये पोलिटिकल सिस्टम आया है और ख़ास तौर पर आज जिस शेप के अंदर हमारे यहाँ डिफरेंट पोलिटिकल सिस्टम और पोलिटिकल पॉलिसीज़ रायज हैं इनकी जो हैं वो हमारे माशरे के अंदर और हमारे कुलेक्टिव बिहेवियर के ऊपर क्या मुरतब हो रही हैं सो स्कॉलर्स हैव डिबेटेड द नेचर ऑफ़ पावर एंड अथॉरिटी एंड देर रिलेशनशिप To the other social phenomena such as culture, economics, and life ideology. The study of politics requires a multidisciplinary approach incorporating perspectives from sociology, economics, history, and political science. Why? Because by analyzing the complexities of power and authority, we can gain a deeper understanding of the ways in which individuals and societies. नेविगेट द चैलेंजेस ऑफ कलेक्टिव एक्शन एंड डिसीजन मेकिंग तो चूँकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत अहम होता है और माशरों की जो कलेक्टिविटीज़ हैं उनके लिए ये जो डिसीजन मेकिंग पावर है ये ट्रिकल डाउन हो रहा होता है ऊपर से हमारी जो पोलिटिकल इलीट है वो बहुत सी ऐसी चीज़ें डिसाइड कर रही होती है पॉलिसीज़ बना रही होती है जिसकी वजह से नीचे के तबके का जितना भी आपका एक्नॉमिक प्रोसेस होता है या आपका एजुकेशन प्रोसेस है या हती कि आपका जो फैमिली इंस्टीट्यूशन है ये सब के सब जो हैं वो उससे अफ़ेक्ट हो रहे होते हैं सो इस अ फूड थाट फॉर यू कि आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर पोलिटिकल सिस्टम की वजह से जो भी इम्पैक्ट्स हैं वो किस तरह से टिकल डाउन हुए हैं और उन्होंने लोगों की ज़िंदियों के ऊपर क्या असरा मरतब किए हैं